बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मददगार और मैं हूँ आपके साथ मुकद्दस वकार। हमारा यहाँ से गुज़र जो है वो डेली होता है इस रोड पर जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, और मैं इस भाई को तकरीबन जब से भी हम गुज़रते हैं, चाहे धूप हो, चाहे छाँव हो, चाहे बारिश हो, चाहे कोई भी मौसम हो, इस बंदे को मैंने यहाँ डेली बैठे हुए देखा है। और हम जब भी यहाँ से गुज़रते हैं तो ये इस तरह से हाथ करके मांग रहे होते हैं। तो आज सोचा क्यों ना इससे बात की जाए, इनसे बात करके पता लगे कि इनको प्रॉब्लम आखिर क्या है, यहाँ ये क्यों बैठते हैं आके। यहाँ गाड़ी हमने रोक दी है और मैं इस तरफ आप लोगों को बताने के लिए यहाँ बैठी हूँ। अब मैं यहाँ से निकलूँगी और इनसे बात करेंगे जाके कि आखिर मसला क्या है और ये इस जगह पर क्यों बैठते हैं। आइए चलते हैं, उस भाई से बात करते हैं जाके और उनसे पूछते हैं कि आखिर इतनी धूप में, सख्त धूप है और यहाँ ये जब भी देखें जहाँ बैठे होते हैं ये बंदे। चले जी, आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं जाके। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा भाई, मैं तकरीबन यहाँ से डेली गुजरती हूँ, आपको भी पता है हम जब यहाँ से गुजरते हैं इनको कुछ दे के जाते हैं, तो आज इसलिए सोचा है कि इनसे बात कर ली जाए और इनसे पूछ लिया जाए कि आखिर यहाँ की क्यों बैठे हैं। अच्छा भाई, ये आपको कितने दिन हो गए हैं या कितना अर्सा हो गया यहाँ बैठे हुए? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए हैं। तो 5-6 साल में आपने, आपको यहाँ से क्या मिलता है, कितनी दिहाड़ी कमा लेते हैं और आपके बच्चे वगैरह हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह है। बच्चे हैं? अच्छा, तो कितना कमा लेते हैं यहाँ से? सर जी 500-600 रुपया कमा लेते हैं बस। 500-600 एक दिन का कमा लेते हैं। अच्छा, तो ये आपको जो मजदूरी है और ये कब से है? ये बचपन से। बचपन से है। अच्छा, ये सोटी के जरिए चलते हैं। अच्छा, इसके ज़रिए आप चलते हैं। तो यहाँ से फिर आपको 500-600 तो मिलता है, तो आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, क्या आपको लेके दिया जाए कि ताकि आप यहाँ इतनी धूप में बैठने के बजाय आप कोई और काम कर लें? किस चीज़ की ज़रूरत है? राशन नहीं है। अच्छा, अपना घर भी नहीं है। अपना घर नहीं है, राशन भी नहीं है। अच्छा, तो आप यहाँ इससे जो चलते हैं? मैं खुद भी मरीज़ हूँ, शुगर का मरीज़ भी हूँ। अच्छा, बवासीर का भी मरीज़। अच्छा, शुगर भी है आपको और जो है वो बवासीर भी है। तो यहाँ मुझे बताएं, यहाँ 6 साल हो गए बैठे को, यहाँ जिस 6 साल से यहाँ आके डेली बैठते हैं और इस तरह से 500-600 ये कमाते हैं और आके बच्चों का पेट पालते हैं, तो भाई इससे बेहतर नहीं है कि कोई आप यहाँ चीज़ रख के बैठ जाए? देखें, अब एक जगह हाथ फैलाने से बेहतर है ना कि आप अगर यहाँ कुछ चीज़ रख के बैठ जाएंगे, चाहे वो बिस्कुट निम्को होगी या बलून गुब्बारे होते हैं, तो आप यहाँ लेके बैठेंगे तो इस तरह आपकी कुछ कोई ना कोई चीज़ भी बिक जाया करेगी। और इस तरह से जो देखें, आप हाथ नहीं फैलाएंगे, आपको कोई ना कोई खुदा तरसी करके आपको दे दिया करेगा। ये बात सही कही है ना? तो अगर आप हाथ नहीं फैलाएंगे, यहाँ सामान पड़ा होगा तो वो सही नहीं है। व्हील चेयर हो तो उसके पे ये है कि मिट्टी छुट्टी से भी बच जाएंगे। अच्छा, और पानी शानी लेने के लिए जाते हैं, चलो चला के उसी वक्त चले जाएं, प्यास लगती है तो फिर पानी मंगाना पड़ता है। दिल चाहे घंटे बाद आ जाए, दिल चाहे 2 घंटे बाद आ जाए, नहीं तो वैसे बैठे रहते हैं। तो चले, इनको व्हील चेयर की भी, इसका मतलब है आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो व्हील चेयर अगर होगी इनके पास तो ये व्हील चेयर के ऊपर बैठ के अपना चल फिर सकते हैं, और अपना अगर चीज़ रख के दे देंगे तो वो चीज़ भी बेच सकते हैं आप। बेच सकते हैं। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। 2 बच्चियाँ, 1 बच्चा। बच्चा तो पढ़ता है, बच्चियाँ छोटी हैं अभी, वो नहीं पढ़ती? नहीं, वो नहीं पढ़ती। अच्छा, बच्चे इनके 3 हैं और 3 में से 1 बच्चा बेटा इनका पढ़ता है, बच्चियाँ अभी छोटी हैं वो नहीं पढ़ती। तो इनको बहुत प्रॉब्लम है कि अभी तक भाई 6 साल से यहाँ बैठे हैं, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? किसी ने नहीं कहा आज तक 6 साल से यहाँ बैठे हैं, कोई अल्लाह का बंदा नहीं आया यहाँ कहे कि भाई आप इस तरह धूप में, वो भी नीचे बैठे हुए हैं, चले हम आपको व्हील चेयर ले कर दे दें और इस तरह से आप काम कर लें? काम नहीं हो सकता। नहीं, काम की बात नहीं मैं कर रही, मतलब कि व्हील चेयर के ऊपर काम जो है वो सामान रख के बेच दें। इधर ही रख लेंगे। इधर ही रख लेंगे, बिल्कुल। तो व्हील चेयर तो आ सकती थी ना? बिल्कुल। तो कोई नहीं ऐसा आया? मेरे भाई, अल्लाह के बहुत सारे नेक बंदे हैं जो ले के दे भी सकते हैं। बहुत लोगों को मैंने होगा, किसी ने नहीं। हाँ, काफ़ी बंदों को मैंने।
ये भी हैं, कहते हैं मैंने काफ़ी बंदों को बोला था कि ले के दें, लेकिन किसी ने भी ले के नहीं दी। बिना कोई खर्चा नहीं करता, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे हैं जो हमें देख रहे हैं, जो जिनके बहुत बड़े दिल हैं, उनके छोटे दिल नहीं हैं, और वो ले के देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। जो नए काम करते हैं वो हज़ारों को नहीं देखते, वो लाखों का भी काम करते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला उनको देता भी ऐसा ही है। तो ये रोड के दरमियान में बैठे हैं, ये उस साइड पे भी रोड है और इसी साइड पर भी रोड है, और रोड के दरमियान में बैठे हैं ये। और अल्लाह ना करे कभी को खुदा ना खास्ता कोई हादसा भी हो सकता है इनके साथ, जैसे रोड चल रहा है तो इस तरह से इनका यहाँ बैठना मुश्किल तो है, लेकिन नीचे बैठना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो अगर इनके पास व्हील चेयर होगी तो मुझे लगता है कि ये माशाल्लाह से काम भी कर पाएंगे और अपना एक साफ़ सुथरा भी रह सकेंगे। देखें ये आपके पाँव गंदे हैं, यहाँ बैठे हैं और कपड़े गंदे हो रहे हैं, तो इस तरह से करके आपके बहुत सारे मसले मसाइल हैं। मैं बैग लेके आई हूँ, अंदर से निकाल के गाड़ी में पड़ा था, और अब हम इस भाई को पैसे देते हैं। मेरे भाई ये पैसे हैं अल्लाह पाक की तरफ से, ठीक है, ये पकड़ें। अच्छा ये पैसे इसमें से, अब आप ऐसा करना है आपने इन पैसों में से कुछ चीज़ें लेनी है, ठीक है, यहाँ रख के बैठ जाएँ, चाहे वो डब्बा बिस्किट्स का ले लें, चाहे गुब्बारे ले लें, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, गुब्बारे सही रहेंगे, ठीक है, मिट्टी नहीं लगेगी। तो गुब्बारे भी लेके बैठेंगे ना तो वो भी आपके बिक जाएंगे। बहुत सारी गाड़ियाँ जाती हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, तो इस तरह करके आप काम करें। देखें हाथ फैलाने से बेहतर है हम अपनी मेहनत करके खाएँ। अब अगर आप ऐसे गुब्बारे भी बेचेंगे ना तो अल्लाह का नेक बंदा जो 10 का गुब्बारा लेगा वो 40 रुपये आपको ऐसे भी दे जाएगा जिसने करना होगा। तो इस तरह करके अगर हम मेहनत से करवाएंगे तो इंशाल्लाह, ठीक है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने भाई को जो है वो व्हीलचेयर का इंतज़ाम करके दें। हाँ जी, बस अपनी दुआओं में याद रखना है, सबके लिए एक दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हम सबको इतनी हिम्मत दे, इतनी तौफीक दे कि हम जो है बहुत सारे इन जैसे बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकें, क्योंकि ये बेचारे डिज़र्विंग हैं और इनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं आता जो कहे कि आगे भाई हम आपको जी व्हील चेयर ले देते हैं, और इतनी महंगी भी नहीं है, अगर कोई देना चाहे तो 20-25 हज़ार की, इतने बड़े बड़े लोग हमारे पाकिस्तान में पड़े हैं तो वो दे सकते हैं लेके। तो इस तरह करके ये देखें हमारे बहुत सारे बहन भाइयों की प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन ये करना चाहते नहीं हैं। हमारे लोग सिर्फ देख सकते हैं, और देख के मैं कहते हैं कि वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि ये बंदा बैठा है तो बैठा रहे, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन्होंने करना है वो कर ही देंगे। तो आप सबसे एक यही रिक्वेस्ट है कि इस भाई की हेल्प करें। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं, और जो है इस भाई की जो है वो जल्द से जल्द हेल्प करें ताकि ये अपनी अगली ज़िंदगी को एक सुकून से गुजार सकें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कि जल्द से जल्द हेल्प हो सके और एक अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।